अब देवराली से बैम्बू की ओर जाते हुए हमें ये वाटरफॉल मिला, और इन्होंने एक टेम्परेरी पुल बनाया है लकड़ी का, जिसे आप देख सकते हैं। मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको, फॉल ऊपर से आ रहा है और ये नीचे को जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पुल पे धीमे धीमे। जस्ट पास कर लिया ये छोटा सा पुल, और आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं। आज शाम तक हम बैम्बू तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके आगे की जर्नी कल स्टार्ट करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम बैम्बू से सिनुआ जाने की कोशिश करेंगे, जो इस ट्रैक के रूट पे ही है, और नहीं हुआ तो बैम्बू में रुक जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट करेंगे। ये एक बार आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस ट्रैक में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, उसका यही सॉल्यूशन है कि आपको आराम आराम से चलना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी जैसे ही थोड़ा सा कोई दो कदम फास्ट करता है या तेज़ चलने की कोशिश करता है, तुरंत उसकी सांस फूलने लगती है। सो हम आराम आराम से चलते हैं, पहुंच जाएंगे आज, आज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए वो सामने जो अभी देवराली का गेस्ट हाउस दिखाया था मैंने, वो दिख रहा है। वहाँ से उस ट्रेल को फॉलो करते हुए जो दिख रहा है उसको, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और देखिए बादल एकदम पास में है और हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे कोई डिफ़िकल्टी लेवल या कोई अच्छा व्यू आएगा तो मैं उस चीज़ को कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। चलिए चलते हैं आगे।